आपको विराट कोहली, यही दोनों आपको बैटर 50-100 रन मार दे, केएल राहुल और आपको श्रेयस अय्यर में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टेस्ट खेला जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन बता रहा हूं कि कौन सा प्लेयर आपको अपने ग्रीन लीग टीम में लेकर चलना है, कौन सा प्लेयर स्मॉल लीग पिच के हिसाब से आपको कप्तान और उप कप्तान किसको बनना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, जो आपको ओडीआई और टी20 टेस्ट आपको अलग तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें चार पाली होता है और चारों पाली में सबसे ज्यादा काम करते हैं, तो बॉलर ही आपको सबसे अच्छा पॉइंट देने वाले। अब वो कौन सा बॉलर होगा जो 7-8 विकेट निकालेगा, कभी कभी ऐसा क्या होता है कि वो बॉलर कभी कभी 5-7 विकेट ले लेता है और आपको कुछ पता ही नहीं रहता है, आप ड्रीम इलेवन खेलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों आज का जो पिच होने वाला है, किसको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, कौन सा ऐसा बैटर होगा जो आज 100 रन मारेगा, कौन सा ऐसा बॉलर होगा जो आज 5 विकेट निकालने वाला है। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये आपको फर्स्ट मैच होने वाला है और ये आपको स्टेडियम होने वाला है सुपर स्पोर्ट पार्क, जो आपको सेंचुरियल टाइम होने वाला है 1:30 होने वाला है। लेकिन अगर वही देखा जाए इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में अभी तक कितना मैचेस खेला गया, तो अभी आप देख सकते हैं 5 मैचों को मैं आपको रिसेंटली परफॉर्मेंस बता रहा हूं। तो इंडिया 2 मैचेस विन किए और इसको 2 मैचेस लॉस मिली और 1 मैचों का इसको रिजल्ट नहीं मिल पाया। लेकिन साउथ अफ्रीका को देखा जाए 1 मैचेस विन किए और 2 मैचों से इसको लॉस मिली है और 2 मैचों का इसका रिजल्ट नहीं मिल पाया। लेकिन अगर इस पिच में देखा जाए किसको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है, तो इस पिच में आपको बैलेंसेस पिच होने वाले और फास्टर बॉलर अपने टीम में लेकर जाना, जैसे आपको मैं आगे बताने वाला हूं। अगर टोटल विकेट देखा जाए तो 168 विकेट गया, जिसमें से फास्टर बॉलर 142 लिया और स्पिनर 26 विकेट लिया, यानी सबसे ज्यादा देखा जाए तो स्पिनर सबसे कम काम करने वाले। वो आपको ऐसा कौन सा स्पिनर होगा जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। लेकिन अगर देखा जाए इस स्टेडियम में तो टोटल 28 अंतरराष्ट्रीय टेस्ट खेला गया है, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 13 बार जीती है और पहले गेंदबाजी करने वाली टीम 11 बार जीती है और इसको 4 बार का रिजल्ट नहीं मिल पाया। लेकिन पहली पारी का औसत देखा जाए तो 331 होने वाला और दूसरी पारी का औसत 324 गया है और थर्ड पारी का औसत 234 गया है और फोर्थ पारी का औसत देखा जाए तो 163 गया। लेकिन सबसे बड़ा स्कोर देखा जाए तो 621 पर 10 विकेट गया और सबसे छोटा स्कोर 101 पर 10 विकेट गया। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर सुपर स्पोर्ट पार्क का सेंचुरियल का स्टेडियम देखेंगे तो बल्लेबाजों को या गेंदबाजों को किसको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है, तो सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियल की पिच गेंदबाजी पिच है, जिस पर आमतौर पर तेज गेंदबाज को मदद मिलती है। यहां की आउटफिट काफी तेज होता है, जिससे तेज आउटफिट के कारण बल्लेबाजों को ज्यादा अधिक मदद मिलता है। लेकिन अगर इस पिच में देखा जाए इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में 5 मैचों का रिसेंटली परफॉर्मेंस देखेंगे, तो साउथ अफ्रीका इधर 2 मैचेस विन किया है, लेकिन नीचे स्क्रॉल डाउन कर जाएंगे तो इधर इंडिया 3 मैचेस विन किया है। और सबसे ज्यादा देखा जाए तो आपको इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है वो आपको आगे में बताने वाला हूं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि ऐसा कौन सा बैटर होगा जो आज 100 रन मारेगा, कौन सा ऐसा बॉलर होगा जो आज 5 विकेट मारेगा। तो सबसे पहले अगर इंडिया का बेस्ट प्लेइंग नंबर देखेंगे तो पहले नंबर पर रोहित शर्मा, एसएसवी जायसवाल और सुमन गिल, और यहां पर विराट कोहली होने वाले। अगर वही देखेंगे तो केएल राहुल श्रेयस अय्यर और उसके रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन। बॉलर में देखेंगे तो शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह होने वाले। अब इन सब का रिसेंटली परफॉर्मेंस देखेंगे तो किन का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस थे आपको यहां पर दिख रहा होगा, रोहित शर्मा और सुमन गिल में। तो रोहित शर्मा 1 मैचों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया और 1 मैच इन्होंने 87 पॉइंट दे रखा था और 87 रन मारा हुआ था। अगर वही देखेंगे सुमन गिल को तो 1 मैचों में इन्होंने 51 रन का पारी खेला था, सबसे बड़ा पारी इनका यही है। अब उसके बाद देखेंगे तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर तो विराट कोहली और केएल राहुल को देखेंगे तो विराट कोहली सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, 1 मैचों में इन्होंने 101 रन का पारी खेला था और दूसरा मैचों में इन्होंने 88 रन का पारी खेला था। अगर वही केएल राहुल को देखेंगे तो 1 मैचों में इन्होंने 102 रन का पारी खेला था, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके आपको दिलाने वाला। लेकिन अगर वही देखेंगे के भरत और श्रेयस अय्यर में तो के भरत का अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अगर श्रेयस अय्यर को देखेंगे तो 1 मैच में इन्होंने 128 रन का पारी खेला था और 72 रन 82 रन का इस तरह से इनका परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन दोनों आपको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले, स्पिनर में आपको इन्हीं दोनों को लेकर जाना है, चाहे तो आप केशव महाराज को अपने टीम में ले सकते हैं। लेकिन अगर रविंद्र जडेजा देखें 2 विकेट 5 विकेट सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, हर एक मैच में इनका 2 विकेट रहता है। अगर रविचंद्रन
अश्विन देखेंगे तो सबसे बड़ा इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो 5 विकेट 7 विकेट 3 विकेट इस तरह से इनका परफॉर्मेंस रहता है। टेस्ट में इनका कुछ अलग तरीका से परफॉर्मेंस रहता है, इसलिए इनको अपने टीम में लेकर जाना। लेकिन अगर वही देखेंगे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को, तो आपको अपनी टीम में जसप्रीत बुमराह को लेकर जाना, मोहम्मद सिराज को अपनी टीम से ड्रॉप करके ही जाना है। लेकिन अगर शार्दुल ठाकुर को देखेंगे तो इनका कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि साउथ अफ्रीका का कौन सा ऐसा बॉलर होगा जो आज सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, कौन सबसे आज फ्लॉप जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अगर देखा जाए तेंबा बुबा, तो इनको अपने टीम से ड्रॉप करके ही जाएंगे, तो सबसे बेस्ट आपको टीम बनेगा। और दिन एल्गर, एडम मार्करन, किंगसन पैटर्सन और हेनरी क्रासे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, तो आपको मार्को जसन और एस मुथुस्वामी और गिराट गोटिया और केशव महाराज और कगिशोर अबाड़ा, एनरेक नोकिया होने वाले। अब इनका रिसेंटली परफॉर्मेंस देखेंगे तो डेन एगर का, तो इनका एक ही मैच में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हुआ और एक मैच में इन्होंने 96 रन का पारी खेला था। और तेंबा बबुआ का देखेंगे तो इनको अपनी टीम से ड्रॉप करके ही चलेंगे। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप देखेंगे पैटरसन का और एडर मार्करन का, तो पैटरसन एक मैच में इन्होंने 62 रन का पारी खेला था और एडर मार्करन का देखेंगे एक मैच में इन्होंने सबसे हाईएस्ट 4 विकेट लिया था। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहां पर आपको देखेंगे काल का, तो इनका आप देखेंगे एक मैच में इन्होंने 52 रन का पारी खेला था और इनका सब मैच फ्लॉप गए। लेकिन आपको टोनी जॉर्ज को देखेंगे तो एक मैच में इन्होंने 119 रन का पारी खेला था, अभी हाल ही में इंडिया के खिलाफ इन्होंने रन मारा हुआ है। और मार्को जसन और केशव महाराज में देखा जाए तो मार्को जसन आपको सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिलाते हैं 3 विकेट और बैटिंग से भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले। लेकिन अगर केशव महाराज को देखा जाए स्पिन में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करते, तो इनको अपनी टीम में लेकर जाना। और नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आपको गेटर गोटर्जी होने वाला और कगिशोर अबाड़ा, तो चाहे तो आप कगिशोर अबाड़ा को अपने टीम से ड्रॉप करके जाएंगे और गेटर गोटर्जी को सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट इस तरह से इनका परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन अगर एन लुंगड़ी को देखा जाए तो इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, इनको अपने टीम से ड्रॉप करके जाएंगे तो भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस होना। लेकिन दोस्तों आपको इसमें मैं एक ग्रेड लिख देने वाला हूं जो आपको सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और आपको फाइनल टीम मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा मैंने के राहुल को ले रखा है विकेट कीपर में, नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो बैटर मैंने चार ले रखा है और मैंने एडर मार्करन और डी एगर को ले रखा है, विराट कोहली को मैंने कैप्टन बना के रखा हुआ है और यहां पर देखेंगे तो मैंने रोहित शर्मा को ले रखा है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा मैंने मार्को जसन को ले रखा है और रविंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा को ले रखा है, मैंने ऑलराउंडर में तीनों को ले रखा है और तीनों ही आपको सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिलाएंगे और विकेट से भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। अगर वही देखेंगे गिराज गोटाडीजी को ले रहे हैं, कगिशोर अबाड़ा और जसप्रीत बुमराह को मैंने यहाँ पर वाइस कैप्टन बना के रखा हुआ है और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके आपको दिलाने वाले। अब दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा ऐसा बैटर होगा जो आज 100 रन मारेगा, कौन ऐसा बॉलर होगा जो आज 5 विकेट निकालेगा। तो सबसे पहले इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में आपको सबसे होने वाले आपको रोहित शर्मा होने वाले, उसके बाद आपको विराट कोहली, यही दोनों आपको बैटर 50 से 100 रन मार दे, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आपको केएल राहुल और आपको श्रेयस अय्यर में इन दोनों को आपको अपनी टीम में लेकर जाना है। नीचे जाना तो आप रविंद्र जडेजा और रविचन अश्विन, ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉलर होने वाले, तो इसलिए इनको अपनी टीम में लेकर जाना है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको जसप्रीत बुमराह, यही आपको सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि साउथ अफ्रीका का कौन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, तो आज का जो इंपोर्टेंट बैटर होने वाला है वो आपको एडर मार्करन, उसके बाद हेनरी क्लासेन, अब मार्को जसन, उसके बाद केशव महाराज और यहां पर गिराट गोटर्जी, यही आपको बॉलर होगा जो आज 5 विकेट निकालेगा। जो साउथ अफ्रीका का आज बैटर होगा वो आपको एडर मार्करन इस बार आपको 100 रन मारने वाले, यही आपको ड्रीम 11 चेंजर बनेगा। अगर दोस्तों इसमें कोई भी चेंजेस होता है, अगर कोई नहीं खेलता है, तो सबसे पहले आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, वहां पर आपको फाइनल टीम मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।